So, hello students, good morning everyone, and how are you doing today? I hope you are doing great at your home. So, and सभी अपने घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशंस को. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम टॉपिक्स विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 11 फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लिविंग वर्ड. सो टॉपिक्स आर, यू कैन सी ओवर स्क्रीन, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी. It's nomenclature, and in the previous video I already told you about nomenclature. So we will learn some two or three lines about the nomenclature, and then we will go further with the binomial system. So second topic we will learn binomial system, and third one will be some scientific names. So एक list होगी आपके पास जो कि last में आपको दिखाई देगा कि कुछ scientific name, कुछ example के तौर पर मैंने यहाँ पर एक slide लगा दिया है. So चलते हैं topic में. तो first topic स्लाइड की बात करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है. सो देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि आप नाइन्थ क्लास में वैसे स्टडी किया है आपने, थोड़ा बहुत उसके बारे में याद भी होगा आपको. सो सबसे पहले वो करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर. सो नोमेनक्लेचर होता क्या है कि पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि इट इज़ अ नेमिंग सिस्टम, इज अ सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हमने टैक्सोनॉमी किया था पिछले उसमें. सो फोर स्टेप्स थी आपको पता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट इज नोमेनक्लेचर. तो ये चीज़ें आप करते थे. सो नोमेनक्लेचर आपको पता है कि यू कैन सी हेयर कि नोमेनक्लेचर इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीन्स कि एक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है तो इस तरीके से उसको नेमिंग किया जाए ताकि हर एक लोकेशन पर, हर एक जगह जहाँ पर भी वो मिलेगा, सो एक ही नाम से वो जाना जाए. ओके, सो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ नेमिंग, ये आपको पता है दिस सर. एंड द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के नाम होते हैं. एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नेकुलर नेम, जो कि कॉमन एक अपने एरिया में नाम जो होते हैं उनको हम कॉमन नेम बोलते हैं. एक होता है साइंटिफिक नेम. तो हमें साइंटिफिक नेम के ही बारे में ही इसमें जानना है. सो अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर स्टडी हम कर रहे हैं नोमेनक्लेचर तो क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड नोमेनक्लेचर एंड बायनोमियल सिस्टम. सो क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, की काफ़ी तरीके की एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीसीज आपको मिलेंगी. मिलियंस में स्पीसीज हैं, 1.7 मिलियंस के करीब हैं. सो हर एक लोकेशन पर कोई ना कोई चीज़ मिलती रहती है. ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में वो चीज़ है तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में नहीं मिलेगी. तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑन बाय देयर लोकल नेम्स. लोकली उसका जो नाम होता है अलग अलग होते हैं हर एक लोकेशन पर, कि इंडिया में अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग हैं, या इंडिया की अगर हम बात करें सो यूपी में अलग हैं और कर्नाटका में अलग हैं. तो ये नाम सभी के लोकल नेम अलग अलग होते हैं. सो इसकी वजह से हमें अभी कन्फ्यूजन भी होने वाली है. अभी पता चलेगा कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें कि एक अनियन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. सो अगर डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अगर हम विज़िट करें तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से उसका नाम मिलने वाला है हमें. जैसे कि हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको नॉर्मली हम उसको प्याज बोलते हैं. अगर हम तमिल लैंग्वेज में जाएँ तो वहाँ पर उसको वेनेंगियम बोलते हैं. अगर हम कन्नड़ में जाएँ तो वहाँ पर उसको इरुली बोलते हैं. सो ओवरऑल अगर हमें देखा जाए कि हम मान लीजिए अनियन के बारे में कोई रिसर्च या स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में जानना है, सो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर हम इस लोकेशन से, कि हिंदी वाले रीजन से अगर हम जाएं किसी तमिल रीजन में जाएं, सो वहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो बीच में जो कन्वर्जेशन होगी या किसी भी कुछ बारे में स्टडी करने, तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाएगा कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं. सो ओवरऑल हमारे लिए कन्फ्यूजन हो गया तो हम क्या करें ऐसे कंडीशन में. सो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ सामने वाले के लिए जो भी कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें कन्फ्यूजन वाली ना हो. सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, नोमेनक्लेचर, जो कि अभी हम जान लेंगे किस तरीके से हमें करना है. तो आई होप कि समझ में आया आपको. दस द कॉमन नेम आर क्वाइट इनडेफिनेट एंड आर रेस्ट्रिक्टेड टू द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज और इवन वन रीजन ऑफ ए कंट्री. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी नाम जो होगा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन तक ही वो जा पाता है. दूसरी लोकेशन पर अगर हम जाते हैं तो उसका नाम कुछ और कॉमनली वहाँ पर हो जाता है, या किसी कंट्री में जाएं तो वहाँ पर कुछ और नाम से उसको बोलते होंगे. सो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है सिर्फ, तो इनडेफिनिट पोर्शन है ये सिर्फ. हैंस
Having one internationally accepted names for a species of jelly allows its precise recognition anywhere in the world. सो इसके लिए एक ज़रूरत पड़ेगी हमें internationally एक ऐसा नाम दिया जाए ताकि वो पूरी world में हर एक location पर एक ही नाम से वो जाना जाए. तो उसके लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. okay? So उसके लिए एक system बनाया हमने जिसको हमने बोला है, you can see here, we are unable to go further. Okay, so in order to facilitate the study of the number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each known organism that is acceptable to biologists all over the world. Means कि scientists ने यहाँ पे काफ़ी सारे scientists ने establish किया एक procedure, एक scientific name का, जो कि सभी जगह accept होगा. Okay, so वो क्या है, एक scientific names are based on agreed. जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, अब चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल्स का हो या वायरसेस का हो, सो अगर हम जिसके भी बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया, एक प्रिंसिपल हमने वहाँ पे एक्सेप्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका नोमेनक्लेचर करना होता है. सो देख लेते हैं कौन कौन से वो अपने, एक दो आपको पहले भी पता होगा कि साइंटिफिक नेम जब हम देते हैं तो कौन से कोड से हमें गुजरना होता है, वही हमें एक तरीके से क्या अप्रूवल देंगे, वहीं से हमें वो नाम मिलने वाला होता है. सो वो है कि फर्स्ट है, अगर हम प्लांट की कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई हमने प्लांट की एक रिसर्च की है, सब कुछ हमने कर लिया, बस लास्ट स्टेज पर पहुंच के आपको नॉमन क्लिचर करना है, तो वो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, यानी कोड जहां से एक्सेप्ट मिलेंगे आपको वो होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन क्लिचर. सो अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, उसका नॉमन क्लिचर कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लिचर के लिए काम करना पड़ेगा. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, सो उसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया यानी ICNB, और लास्ट वायरसेस, तो द इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ICVCN. ओके, सो ये कुछ कोड्स हैं जो कि साइंटिफिक नेम को जो दिया जाता है इन चीज़ों से. प्लांट्स की स्टडी, तो प्लांट्स के लिए हम इस कोड के लिए बारे में बात करें, वहाँ से हमें एक अप्रूवल मिलेगा नेम के लिए. नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. ओके, सो ये इंश्योर किया जाता है, ये जितने भी कोड्स हैं ये इंश्योर करते हैं सभी अपने अपने फील्ड में, जो बैक्टीरिया के हैं वो बैक्टीरिया का करेंगे, वायरस वाले वायरस का करेंगे. सो एक चीज़ इंश्योर की जाती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसका भी नेम होता है, तो वो एक ही बार यूज़ हुआ, हैज़ ओनली वन नेम, कि एक ही नाम उसका होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक को दे दिया हमने, फिर दोबारा कोई किसी चीज़ की रिसर्च चल रही है, वो निकल कर आया, तो हमने उसको भी वही नेम दे दिया, तो कन्फ्यूजन हो जाती है. तो इसके लिए क्या है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वहाँ पे, ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक को एक ही नाम दिया जाए, वो बार बार यूज़ ना हो. सेकेंड इज़ कि जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि हमने रिसर्च कर लिया, उसके क्लासिफिकेशन सब कुछ हमने कर लिया है, नॉर्मल क्लेचर हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, तो जिस भी रीजन में, कहीं पर भी, कहीं से भी स्टडी, मान लीजिए कंट्री इंडिया के अंदर आपने स्टडी किसी चीज़ को किया है, और अगर ऐसा नहीं कि वो इंडिया के लिए ही सिर्फ आप जानेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उसी टाइम पर, एक ही टाइम पर उसको सभी जगह पहुँचाया जाएगा. ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम में पहुंच जाना चाहिए सभी जगह. एंड थर्ड वन इज दैट दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म. ये भी इंश्योर करते हैं कि एक नाम किसी दूसरे को तो नहीं दे दिया कहीं हमने, पहले तो यूज़ नहीं कर लिया था उसमें से. सो उस चीज़ को भी ध्यान में दिया जाता है. तो आई होप कि समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द बाइनोमियल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. सो उसके लिए क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता क्या है, बाई मतलब टू, वी नो वेरी वेल बाई मीन्स टू, कहीं पर भी बाई आ जाए तो टू, नोमियल मतलब नेम, कि हमें यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम देना है. सो दो तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके बारे में कि किसने इसको डिस्कवर किया था. सो यहाँ पर लिखा है, देखिए, the binomial system or nomenclature was first introduced in 1753 by Swedish naturalist Carl von Linne. जिनकी एज एक पूरा पीरियड दिखा रखा है 7 से और 78 तक. सो जिनको हम लीनियस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, कि सो लीनियस ने, यानी कि कॉल वॉन लिन ने इनको डिस्कवर किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, जिसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि हर एक बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए, कि द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू लैटिन और लैटिनाइज्ड वर्ड, कि इसके अंदर
जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है उसके अंदर दो वर्ड होते हैं जो कि लैटिन के वर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैटिनाइज्ड वर्ड होते हैं। अभी जानेंगे कि जेनरा एंड स्पीसीज होती हैं। तो जो ही इज़ नॉन बाय दिस लैटिनिस्ट नेम यानी कार्ल वॉन लिन, जिनको आज हम सुना है आपने लीनियस, कार्ल कैरोलस लीनियस जिनको हम जानते हैं। सो लीनियस जो यहाँ पर एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोले लैटिनाइज्ड वर्ड। ओके, सो लीनियस लैटिन वर्ड है। अगर हम उनकी नॉर्मल नेम की बात करें तो वो था कार्ल वॉन लिन, जिसको हम लैटिन लैंग्वेज में लीनियस के नाम से जानते हैं, कैरोलस लीनियस। ओके, सो बाइनोमियल सिस्टम क्या है यहाँ पर, दो तरीके से उसका नाम देख लीजिए। ये है हमारे गुरुजी कैरोलस लीनियस। सो जानरेडी के मैं स्पेसिफिक एपिथेट, हमने अभी पीछे क्या देखा था कि दो, नीचे देखिए आपके टू लैटिन वर्ड्स होते हैं यहाँ पर। सो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, कि जेनेरिक यानी कि जेनेरा एंड स्पेसीज, जिसको हम जानते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में। ओके, सो दो नाम जो होंगे, दो वर्ड जो होंगे वहाँ पर, वो कौन कौन से हैं, जेनेरा एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप अंडरलाइन कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है कि द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स, की एक सिस्टम, एक नेमिंग का सिस्टम जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम को टू कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में दिया जाता है, जेनरा एंड स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं किस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है। सो एक एग्जाम्पल है हमारे पास मैंगो, कॉमनली उसका जो नेम एक मैंगो है, हम सब जानते हैं आम हिंदी में। सो उसका साइंटिफिक नेम हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर हम बात करें तो ये नीचे लिखा है आपका, देख लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब हमें ये जाने किस तरीके से साइंटिफिक नेम को लिखना है। सो एक एग्जाम्पल है कि अगर हम मैंगीफेरा की बात करें, विच इज़ जेनेरिक नेम, दैट इज जेनेरा है, और उसकी जो, अगर देखो मैंगीफेरा इट इज जीनस, और अगर हम दूसरे की बात करें तो विच इज़ स्पेसिफिक एपिथेट, तो दूसरा क्या है, स्पीसीज, इंडिका यानी कि स्पीसीज। ओके, सो इसके जो रूल से हैं आपको याद होने चाहिए कि रूल क्या होते हैं जब भी हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, आप चाहे वो प्लांट हो, एनिमल, वायरस, ये जो भी हैं, तो किस तरीके से ये रूल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड इन रिटन इन इटैलिक्स, कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो सभी लैटिन में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ओके, और हमेशा उनको किस तरीके से लिखते हैं, इटैलिक्स में हमेशा उनको लिखा जाता है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं इटैलिक। देखो यहाँ पर जो फॉन्ट है, ये साइज, ये फॉन्ट, ये अलग तरीके से है, लेकिन ये वाला कैसे है, इटैलिक में। ओके, सो में इटैलिक यूज़ किया जाता है, होते कैसे हैं वो लैटिन लैंग्वेज के, बट लिखा जाता है इटैलिक्स में। फर्स्ट रूल हो गया, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि उनका जो ओरिजिन था इटैलिक्स में हमने लिख दिया है, लेकिन ओरिजिन कैसा था उनका, लैटिन, तो इटैलिक्स में हम इसलिए ही लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लैटिन ओरिजिन के है, ये वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसलिए हम उनको अंडरलाइन करना, सॉरी उनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट रूल हो गया हमारा कि दे आर इन लैटिन ओरिजिन और रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है। ओके, सेकेंड है द वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ये तो हमें खैर पता है कि फर्स्ट नेम होता है जीनस एंड सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये तो खैर मैं ब्लैंक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इटैलिक्स में होता है। ओके, थर्ड रूल पे आ जाइए, आपका जो थर्ड रूल है वो है कि बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट, हमेशा उनको अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद वो भी सेपरेटली, कि मैंगीफेरा इंडिका है, सो यहाँ पर अगर मैं देखो दिखा देता हूँ हैंड रिटन का, देखो यहाँ पर ये है हैंड रिटन, सो इसमें मैंगीफेरा विच इज़ जीनस सेपरेटली अंडरलाइन किया नीचे से, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट जो है स्पीसीज उसको अलग से अंडरलाइन किया गया है, तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, कब, जब हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन अगर हम वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नहीं कर रहे, अगर आप प्रिंटेड कोई काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो तब लिखा जाता है हमेशा उनको, फिर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम उनको इटैलिक्स में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, सो यहाँ पे इटैलिक्स में उसको लिख दिया है, तो ये थर्ड रूल है आपका। अगर हम फोर्थ रूल की बात करें,
हाँ सेपरेटली अंडरलाइन किया है, वो प्रिंटेड किया है इटैलिक्स में, तो क्यों कर रहे हैं अंडरलाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इटैलिक्स में लिखा है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो ओरिजिन है दोनों वर्ड्स का, जेनरा एंड स्पेसीज का, वो है लैटिन, लैटिन वर्ड्स हैं, इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा कि अंडरलाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि ये क्या है, लैटिन ओरिजिन से आए हैं दोनों वर्ड, इसलिए हमें इटैलिक्स में या जब हैंड रिटन करते हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर लेते हैं। एंड लास्ट फोर्थ, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यानी जब जीनस को हम जब लिखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि जब हमने जीनस लिखा है, ये जीनस है, तो इसमें हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, बाकी सारे स्मॉल होंगे जीनस के, और जब हम स्पीसीज लिखते हैं तो इसकी सीज के सभी लेटर स्मॉल होते हैं, यानी सिर्फ इतना जानना है कि जीनस एंड स्पीसीज में जब हम लेटर्स को ध्यान रखना है, सिर्फ कैपिटल लेटर सिर्फ जीनस का होगा, सिर्फ जीनस का कैपिटल लेटर होगा, वो भी स्टार्टिंग का, बाकी आगे के जितने भी लेटर्स हैं चाहे स्पीसीज के या जीनस के, वो सारे के सारे होंगे स्मॉल। आई होप समझ में आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो एम सिर्फ कैपिटल, यहाँ पर बाकी सारे स्मॉल हैं स्पीसीज के भी और जीनस के भी, तो स्टार्टिंग का कैपिटल लेटर होगा जीनस का, ठीक है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ साइंटिफिक नेम जब होते हैं सो उनके आगे एक हम ऐसे लिख देते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका और उसके आगे लिन लिखा है, LINN लिन, सो वो लिन का मतलब क्या है, क्यों हम यहाँ पर लिन लिख लेते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ कि लिन क्यों लिखते हैं। एक्चुअली कोई भी चीज़ जब डिस्कवर होती है सो हो सकता है कि वहाँ पर लिन लिखा हो सकता है वहाँ पर कि एल लिखा हो, ओनली पूरा नाम लिखा, एब्रीविएटेड फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म में उनको लिखा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। तो ये साइंटिस्ट जो होते हैं जिन्होंने भी सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्लांट एनिमल वायरस बैक्टीरिया जो भी रिसर्च किया है, सबसे पहले जिसने भी वो डिस्कवर किया है, तो वो अपने नाम के लिए वहाँ पर अपना कोई भी एब्रीविएटेड फॉर्म उसमें यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए आपने या मैंने, मेरा नाम श्रीकांत है और मैंने कोई चीज़ डिस्कवर किया, मान लीजिए मैंने मैग्नीफेरा इंडिका को डिस्कवर किया है, फॉर एग्जांपल एक जो कर लेते हैं, तो मैग्नीफेरा इंडिका में यहाँ पर श्रीकांत है, अब मैं श्रीकांत पूरा नाम तो नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा अपना SHRII श्री लिख सकता हूँ या SHR लिख सकता हूँ सिर्फ लास्ट में, ठीक है। सो एब्रीविएटेड फॉर्म जो मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लिन है, तो लिन क्या है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म होती है साइंटिस्ट की, जिसने इट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लीनियस, यानी लीनियस ने ये डिस्कवर किया था, तो उनके नाम हमने वहाँ पर एब्रीवेटेड फॉर्म देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लेन या एल या किसी और का नाम यहाँ पर हो सकता है, तो वो क्यों लिखा जाता है, ताकि ये बताने के लिए कि इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, तो उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म वहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके सो आई होप कि समझ में आ गया, और लास्ट स्लाइड्स पे चलते हैं कि कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, काफ़ी अच्छे इजीली तरीके से मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हैं, तो प्लीज़ इसको चीज़ को ध्यान में रखना। और कॉमन नेम यहाँ पर देख लीजिए कि साइंटिफिक एंड कॉमन नेम, जैसे एप्पल है पायरस मेलस, तो और ये भी चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ें इटैलिक्स हैं, हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, याद रखना जीनस और स्पीसीज को, ये यहाँ पर प्रिंटेड है इसलिए यहाँ पर इटैलिक्स में मैंने इसको लिखा है। सो ब्रिंजल है सोलेना मेलोंगिना, कैबेज है ब्रसिका ओलिस रेसी, कैरेट है जोकस कैरोटा, चाइना रोज, सभी के नाम जो हम यहाँ पर लिखे हैं, तो मैंने दोनों कैटेगरीज प्लांट्स एनिमल दोनों को लिया है थोड़ा थोड़ा, तो ये प्लांट्स हैं सभी जितने भी हैं, एंड सेकंड जो स्लाइड है उसमें सभी एनिमल्स हैं, कोबरा नाचा नाचा कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, सो सभी हैं कैनिस फैमिलियरिस डॉग, सो ये सभी जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं एनिमल्स हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर एंड बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सो दोनों के दोनों समझ में आ गया, और ये चीज़ों को भी ध्यान से, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो या पिछली किसी वीडियो से, सो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच, और लाइक के साथ साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स में सर्कल में, अब जो भी अब ये वीडियो इस तरीके की है कि ये वाला जो चैप्टर है पूरा ये 9th में भी है आपका, 9th क्लास में भी स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे भी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म है चैप्टर, और आपका है ही 11th का, सो वो भी स्टडीज़ को कर सकते हैं, दोनों का ही सेम है, अगर 9th के थोड़ा ज़्यादा स्टडी कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ओके सो आई होप कि आपको समझ में आया है, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए आप, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।